हम लोग जो प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आवर प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। तो जब प्रोसेस हमारा एक्टिव एंटिटी है, एक्टिव एंटिटी से मतलब एज वी हैव डिफाइंड द प्रोसेस द इंस्टेंस ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम। तो रनिंग प्रोग्राम का इंस्टेंस है, दैट मीन्स कि प्रोसेस के साथ हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स एसोसिएट होंगे। तो उसमें हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो है प्रोसेस इमेज। तो बेसिकली जो प्रोसेस इमेज है वो हमारा जिस प्रोग्राम के लिए प्रोसेस है तो उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव इमेज, या बेसिकली हम बोलें तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम है और प्रोसेस है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको हमने कंपाइल किया या इंटरप्रेट किया यानी ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव इमेज बनती है। तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव इमेज है प्रोग्राम की वो प्रोसेस इमेज है, और जनरली हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं, जैसे सी लैंग्वेज में। दूसरा कंपोनेंट है एसोसिएटेड डेटा नीडेड बाय द प्रोग्राम। एसोसिएटेड डेटा नीडेड बाय द प्रोग्राम। तो एसोसिएटेड डेटा से हमारा मतलब है द डेटा ऑन विच प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। जिस डेटा पर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन के टाइम हम चाहे तो इनपुट देके डेटा प्रोवाइड करें या फिर हम डेटा प्रोग्राम के अंदर ही प्रोवाइड कर दें। तो एसोसिएटेड डेटा मीन्स डेटा ऑन विच द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, डेटा ऑन विच द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। थर्ड कंपोनेंट है हमारा रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस से हमारा मतलब है ये हमारा रिसोर्स कैसे डिफाइन होता है। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन एनवायरनमेंट एंटिटी रेफरेंस्ड बाई प्रोग्राम एंड एक्सप्लिसिटली एलोकेटेड टू दैट प्रोसेस सो दैट इट एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो हमारा रिसोर्स इट कैन बी ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने पहले भी रिसोर्सेज के बारे में चर्चा की थी आपसे, तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम ए रिसोर्स विल बी नीडेड। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है तो हार्डवेयर हमारा एक रिसोर्स हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हमारा एक रिसोर्स हो सकता है। सपोज कि कोई प्रोग्राम रन कर रहा है और उस टाइम इनपुट की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम हमारा रिसोर्स क्या हो गया, कीबोर्ड। सपोज प्रोग्राम रन कर रहा है उस टाइम किसी फाइल की रिक्वायरमेंट हुई या किसी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हुई या किसी लोकेशन की रिक्वायरमेंट हुई, तो वहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो गया। जैसे सॉफ्टवेयर रिसोर्स से हम कह सकते हैं फाइल, इन्फॉर्मेशन और लिंक एक्सेट्रा। तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि रनिंग प्रोग्राम के लिए नीडेड होते हैं। तो रिसोर्सेज हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे
मेमोरी है, रनिंग प्रोग्राम है, तो उसको हमारा मेमोरी की ज़रूरत होती है, कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, स्क्रीन की ज़रूरत होती है जब हम आउटपुट भेजते हैं बाय यूजिंग प्रिंट एफ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टेटमेंट इन जावा या फिर सी आउट इन सी प्लस प्लस। तो उस टाइम अगर हमारा स्क्रीन नहीं है तो क्या होगा कि रिसोर्स उस प्रोग्राम को मिल नहीं पाएगा। तो दैट मीन्स इस मोमेंट पर जब हम आउटपुट भेजते हैं तो स्क्रीन इज द रिसोर्स, तो मेमोरी, स्क्रीन, सीपीयू टाइम एग्जेट्रा, दीज आर द रिसोर्सेस। तो जो हमारे हार्डवेयर हैं बेसिकली उनको तो हम बोलते हैं फिजिकल रिसोर्स, और जो हमारा कंसेप्चुअल जैसे फाइल है, इंफॉर्मेशन है, लिंक है, वो है लॉजिकल रिसोर्स। तो लॉजिकल रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स। तो ये हो गया हमारा रिसोर्स। अब रिसोर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हमारा स्पेस मल्टीप्लेक्स्ड है, दूसरा टाइम मल्टीप्लेक्स्ड है। तो स्पेस मल्टीप्लेक्स में क्या होता है कि दीज आर द रिसोर्सेस जो कि एक साथ कई प्रोसेस के लिए वर्क कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेस मल्टीप्लेक्स्ड रिसोर्सेस की। मल्टीप्लेक्स्ड मींस मल्टीप्लेक्सिंग से बना है, तो रिसोर्सेस विच कैन वर्क फॉर मोर देन वन प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मेमोरी है, मेन मेमोरी, उसमें एक से ज़्यादा रिसोर्स, सॉरी, एक से ज़्यादा प्रोसेस रिजाइड कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। दूसरा हमारा डिस्क है, डिस्क यानी हार्ड डिस्क वगैरह, तो उसमें भी एक से ज़्यादा प्रोसेस, एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे स्पेस मल्टीप्लेक्स्ड हैं। दूसरा है टाइम मल्टीप्लेक्स्ड। तो टाइम मल्टीप्लेक्स में जैसे हमारा हो गया ये कोहेरेंट एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर, वो टाइम मल्टीप्लेक्स्ड है। इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रिसोर्सेज के, स्पेस मल्टीप्लेक्स, टाइम मल्टीप्लेक्स, सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनीशन एंड पर्पस ऑफ द रिसोर्सेज एंड व्हाट दे आर, सो इट्स सफिशिएंट फॉर यू। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ कंपोनेंट, वो है स्टेटस ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, स्टेटस ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो दिस इज बेसिकली द ऑल इंफॉर्मेशन द ओएस नीड्स टू मैनेज द प्रोसेस। ओएस नीड्स टू मैनेज द प्रोसेस। नेक्स्ट है मेमोरी। तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी नीडेड बाई द प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, नीडेड बाई द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो ये तो हम जानते हैं किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए वी रिक्वायर द मेन मेमोरी यानी रैम। तो रैम में जो मेमोरी बनती है प्रोसेस के लिए, उस मेमोरी को चार भागों में डिवाइड करता है ओएस मेमोरी के, और उनको हम बोलते हैं जो हमारे चार पार्ट हैं, फोर सेक्शंस।
तो इनको हम बोलते हैं मेमोरी सेगमेंट। तो ये जो चार मेमोरी सेगमेंट हैं, पहला है हमारा कोड सेगमेंट, इनको रीजन भी बोलते हैं, तो कोड सेगमेंट या रीजन। तो बेसिकली कोड सेगमेंट और रीजन क्या है, ये हमारा एग्जीक्यूटिवल इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, जो कि हमारे प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट वी कैन से हैव एग्जीक्यूटिवल इंस्ट्रक्शंस। कोड से मतलब प्रोग्राम कोड, एग्जीक्यूटिवल कोड, एग्जीक्यूटिवल इंस्ट्रक्शंस। दूसरा है डेटा सेगमेंट। तो एज द नेम सेज, डेटा सेगमेंट में हमारे पास क्या होता है, इट कंटेन्स द डेटा एरियाज यूज बाई द प्रोसेस, यानी प्रोसेस स्पेसिफिक डेटा। तो प्रोसेस स्पेसिफिक डेटा यानी जो भी डेटा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम नीडेड होते हैं। तो इसमें हमारा आता है इनपुट आउटपुट डेटा। जो डेटा है हमारा, उसको अगर हम बोलें तो फिर से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं इनिशियलाइज्ड एंड अनइनिशियलाइज्ड में। तो इट कैन बी इनिशियलाइज्ड और अन इनिशियलाइज्ड। तो इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड पार्ट में, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स एक्सेट्रा। तीसरा है मेमोरी में हमारा स्टैक रीजन, स्टैक सेगमेंट। तो स्टैक सेगमेंट तब क्रिएट होता है जब हमारा कोई फंक्शन कॉल होता है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं कॉल स्टैक। तो जब फंक्शन कॉल होता है तो ये स्टैक विल बी क्रिएटेड इनसाइड द मेमोरी, और ये होता है हमारा फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ एक्टिव सब रूटीन एंड और अदर इवेंट्स। सब रूटीन से मतलब फंक्शन से ही है। सब रूटीन को क्या है, मशीन लैंग्वेज में फंक्शन, फंक्शन हमारा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, और उसी को हम सब रूटीन बोलते हैं लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में। तो जब भी फंक्शन या सब रूटीन कॉल होता है तो एक स्टैक हमारा क्रिएट होता है, और इस डेटा के लिए या प्रोसीजर के लिए या फंक्शन के लिए टेम्परेरी डेटा जो होते हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं, रिटर्न एड्रेस हैं और टेम्परेरी वेरिएबल हैं। फंक्शन के क्या हो गए, पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस और टेम्परेरी वेरिएबल। टेम्परेरी वेरिएबल्स मतलब जो फॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हम डेफिनेशन के टाइम फंक्शन में पास करते हैं। तो पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस और टेम्परेरी वेरिएबल्स, ये हमारे स्टैक सेगमेंट के अंदर आते हैं। अब चौथा रीजन है हमारा हीप रीजन या हीप सेगमेंट। तो हीप सेगमेंट होल्ड्स द इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन, इट होल्ड्स द इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन। इंटरमीडिएट मतलब कि बीच में अगर कोई कंप्यूटेशन हमारा आ रहा है। और दूसरा ये हमारा रन टाइम पर, रन टाइम इंफॉर्मेशन यानी डायनेमिकली एलोकेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे हम मैलॉक फंक्शन यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, तो बेसिकली मैलॉक से मेमोरी जो एलोकेट होती है वो हीप के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस।